So, third point will be give quality time. This is very important. जब आप quality time दे रहे हैं अपने बच्चे को, India का survey कहता है कि एक father जो है अपने बच्चे के साथ सिर्फ 7 मिनट का वक्त बिताता है पूरे दिन में, और एक mother सिर्फ 11 मिनट का quality time बिताती है पूरे दिन के दौरान। और दोस्तों ये जो survey है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना, कि आपको हैरानी होगी कि जब आपका बच्चा है ना कॉलेज में चले जाएगा, जब आपका बच्चा कॉलेज में चले जाएगा, उसके बाद पक्की बात है कि वो आपके हाथ नहीं लगने वाला। ये सच है। जितना जल्दी स्वीकार करोगे उतना जल्दी एक्चुअली रास्ता बनेगा। जिस दिन कॉलेज गया उस दिन उसकी दुनिया बदलने लगेगी, वो आपको हाथ नहीं लगेगा, वो शाम को कहां पर है शायद ना पता चले, संडे पे कहां गया है वो आपको ना पता चले। ये संभावना है, मैं नहीं कह रहा होगा, बट संभावना। तो जब तक आपका बच्चा कॉलेज जाता है तब तक आपके पास दोस्तों, जन्म से लेकर जब तक वो कॉलेज जाता है तब तक आपके पास 940 संडे होते हैं उसके साथ बिताने के लिए। और मैं एक मजेदार चीज बताता हूं, अगर आपका बच्चा 10 साल का हो चुका है तो ऑलरेडी 520 संडे तो आप खो चुके हैं। अब सोच लो कितने संडे बाकी है और आपके बच्चे की उम्र क्या है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, शाम को वक्त मिल रहा है थोड़ा सा बिताओ उसके साथ, संडे को वक्त मिल रहा है तो थोड़ा सा बिताओ। उस दिन क्रिकेट मैच की जरूरत नहीं है, उस दिन हमें हमारे टीवी सीरियल्स की आवश्यकता नहीं है। आप अपने बच्चों के साथ क्लास में तो वक्त बिताते हैं, क्लास के बाहर कितना वक्त बिताते हैं वो भी उतना ही जरूरी है। You know, this is where you have to spend some time. और quality time का मतलब पता है क्या होता है? Quality time का मतलब होता है अपने बच्चे के साथ वो करना जो उसे पसंद है। इसे कहते हैं quality time. और वो quality time सबके लिए अलग होगा। अगर कोई बच्चों को खाना पीना पसंद है तो उसे बाहर लेकर चलो कि चलो बेटा आज पिज्जा खाते हैं, आज बर्गर खाते हैं, उसे पसंद है तो हफ्ते में एक आध बार वो किया जा सकता है। अगर आप वो करोगे तो वो दोस्तों के साथ कम जाएगा। अगर उसे पसंद है खेलना तो उसके साथ खेलिए, अगर उसे पसंद है घर के कुछ काम करना तो घर के कुछ काम उसके साथ करें, अगर कोई बेड टाइम रूटीन है तो बेड टाइम रूटीन यानी कि इट विल बी कोई कहानियां बताना सोते समय या सोने से पहले कोई पिलो फाइट कर लेना उसके साथ, या कभी साथ में मिलकर भी रात को मूवी देखना घर पे। आजकल तो नेटफ्लिक्स वगैरह हर टीवी में लग चुका है, तो मे बी साथ में आपको पता है मेरे घर पे भी होम थिएटर है। होम थिएटर हमने जब कभी भी महीने में 2-4 बार चालू किया है, 60-70% of the time पूरा परिवार साथ बैठ कर के मूवी देखता है होम थिएटर में। क्यों? बिकॉज बचपन से वो आदत है हमारे घर में, इसलिए वो आदत कंटिन्यू हो रही है। या फिर कभी कुछ मौज मस्ती करना, अगर आपका बच्चा कहता है कि पापा म्यूजिक लगा के डांस करना है तो करो, अगर आपका बच्चा 10 साल का है उसका मन है कि सोफा के ऊपर कूदना है तो उसके साथ चढ़ जाओ सोफा के ऊपर कूदो। अब अगर तब वो 10 साल के बच्चे को आप सुधारने की कोशिश करोगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये उम्र में मस्ती नहीं करे तो तुम्हारी मारी उम्र कर से। आपने बताने खबर छे कि आपने एक बार धंधे लाग्या पछी लागी ज गया छे, अरे लागी ए गए छे, तो ये तो उम्र छे एंजॉय करवानी है, वे त्यारे नहीं करे तो क्या रे। और हमें तो पहली बार मौका मिल रहा है। आपको पता है हर महीने का जो प्रॉफिट आता है और हर महीने की जो सैलरी आती है ना सारा, उसमें उतनी खुशी नहीं मिलती जितना अपने बच्चे के साथ बच्चा बन करके खेलने में खुशी। We should literally do that, right? So that's called quality time spent करना यारो। और इसके साथ साथ मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताना चाहता हूं, एंड दैट इज टॉक्स एट होम, यानी कि आप घर पे जो बातें कर रहे हैं, बस इतना याद रखना कि अगर आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहते हैं, then always remember कि आप जो सोच और जो बातें कर रहे हैं, जो आप सोचते हैं और जो आप बातें कर रहे हैं, वो आपके बच्चे है ना एक स्पंज होता है, स्पंज देखा है आपने कभी, स्पंज की तरह सोख लेते हैं। तो आप तमें यानी गैर हाजिरी में अपने बात कर सो है तो भी आपकी बातें उस तक पहुंच रही है। इसलिए टीचर्स रूम में भी कोई बच्चा
बच्चों के लिए ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए या उसका कोई बच्चे के नाम के साथ वहां पर भी कोई ऐसा मजाक नहीं बनना चाहिए जो आप ना चाहो कि उस बच्चे को पता चले, उसके पेरेंट को पता चले तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि मानो या ना मानो, जब कोई नहीं देख रहा है तभी भी कोई देख रहा है और वो वाइब्रेशंस और वो एनर्जी तो वहां तक जाती ही जाती है। और इसलिए ये चीज हमें अपने जहन में लाने की जरूरत है। दोस्तों ये पॉइंट बहुत जरूरी है और इसलिए मेरा जस्ट टॉक पॉजिटिव, ऑलवेज टॉक पॉजिटिव। मुझे मेरे बिजनेस में मेरे कॉम्पिटिटर्स के बारे में कोई भी सवाल पूछा जाता है, कोई पूछे कि सर आपका भी ये प्रोग्राम है, उनका भी ये प्रोग्राम है, तो हमें किसका अटेंड करना चाहिए, और मेरा इतना ही जवाब होता है, आपने उनको भी सुना है, मुझे भी सुना है, दोनों में से जो ज्यादा अच्छा लगे उनका करो। क्यों मुझे किसी को ये कहना कि ना ना एम ना करता हूं के रीते सारो छू अने पेलो तुमने आ नहीं शिखवाड़े तुम आऊ शिखवाड़ दीस। क्यों? भले वो नहीं सुन रहा है, भले मेरा कॉम्पिटिटर है, भले मेरा सगा नहीं है, बट मुझे क्यों बोलना है ये? क्योंकि वो वाइब्रेशन उस इंसान तक जाएंगे ही जाएंगे। और अगर आज मैंने किसी के लिए बुरा कहा है तो समझ के चलिए कि कोई और मेरे बारे में बुरा कहेगा। कुदरत देती नहीं है। यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट आता है, दैट इज राइट वे ऑफ इंप्रूविंग योर चाइल्ड। अगर अपने बच्चे को सुधारना है तो सही तरीके से सुधारिए। कैसे? सबसे पहले हमेशा पब्लिकली उसे अप्रिशिएट करें। नॉर्मली हम गलती ये करते हैं कि चार लोगों के बीच में उसकी बुराई करते हैं और अकेले में उसकी तारीफ करते हैं। कभी मेहमान के सामने नहीं बोला कि मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, आई लव माय किड। हाँ, 5-6 साल का बच्चा था तब तक बोला है कि मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। 6 साल के बाद कोई बच्चा इंटेलिजेंट नहीं रहता है। नानो एंड बेचारो ABCD बोले ना, एंड 2 2 4 बोले એટલે બધા ઇન્ટેલિજન્ટ। પછી જે હું એક્ઝામ માં ઉપર નીચે થાય એટલે બધા ડબ। આજ આપડી ડેફિનેશન છે ઇન્ટેલિજન્સ, બીજી આપણે કોઈ ડેફિનેશન નથી એટલા માટે। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूं कि यू नो, आप भी कोई बच्चे को डांटना चाहते हो ना तो डांटना बुरा नहीं है, बट क्लास में मत डांटो। आपके ध्यान में कोई बच्चा आया है, ध्यान नहीं दे रहा, पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहा, इनडिसिप्लिन्ड है, क्लास में मजाक कर रहा है, आपको भी पता है कि आपके ऊपर हंस रहा है, ऐसा भी होगा कभी, बट क्लास में नहीं। नाम पता है उसका, राइट? तो आप उसका नाम लेकर के बेटा जस्ट मीट मी इन द बस गुलाब साइड। बेटा मैंने खबर से कहता मेरे को तेरा सुगा तो करता था, जस्ट तब जो कहना है कहो, लेकिन सबके बीच में, सबके बीच में करके आप उसकी ईगो पर अटैक कर रहे हैं। और अगर आपने उसकी ईगो पर अटैक किया तो रिटर्न में वो भी वही करेगा, एंड वी डोंट वांट टू डू दैट, राइट? सो आप अकेले में बात करें, अकेले में अगर कुछ डांटना है, समझाना है, सुधारना है तो कर सकते हैं। पब्लिकली हमेशा अप्रिशिएट करें। अगर ये मेरा क्लास है और कोई कोने में हंसी मजाक चल रहा है और मुझे पता भी है कि ये मेरे ऊपर कुछ जोक्स बन रहे हैं तो भी मैं क्या करूंगा पता है? यू नो, मैं उस बच्चे का नाम लेकर के उसे अप्रिशिएट करूंगा कि बेटा मैंने हमेशा देखा है कि मेरे क्लास में ना तुम बहुत हंसते रहते हो, खुश रहते हो, मुझे आपकी एनर्जी बहुत पसंद है। इनडायरेक्टली बोल दिया कि मेरी नजर है तुझ पर, बट व्हाई शुड आई क्रिटिसाइज इन फ्रंट ऑफ द क्लास? वो जरूरी नहीं है, वो अकेले में किया जा सकता। So, साथ ही साथ always remember कि friends, जब ये सुधारने की बातें कर रहे हैं तो उसमें गलत शब्दों का प्रयोग कभी ना किया जाए। गधा, सुअर, नफोड़, never। And यहां पर मैं आपको एक छोटी सी चीज ऐड करके बताना चाहूंगा। जब भी बच्चे को सुधारना है तो एक छोटा सा आइडिया मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दी आइडिया इज, आप ये खोज निकालो कि आपका बच्चा किसकी बात ज्यादा सुनता है और मानता है। होंगे एग्जाम्पल, उसके कोई अंकल है जिसे वो बहुत पसंद करता है, पड़ोस में कोई है जिसे वो बहुत पसंद करता है, या मे बी उसके लाइफ में कोई एक टीचर है जिसके वो बहुत रिस्पेक्ट करता है। होंगे, कोई ना कोई होंगे। जब कभी भी बच्चे को सुधारने की कोई बात करनी है तो हमें जाके नहीं करनी है, क्या करना है पता है? उनसे कहना है कि भाई मेरे बच्चे को आप ये बता। हर एक पेरेंट को एक इंटरेस्टिंग एडवाइस देता हूं, जो बच्चे को सलाह देता है वो उसका दुश्मन बनता है।
इसीलिए माँ बाप होते हुए आप सलामत, पड़ोसी से दिलवाओ, टीचर से दिलवाओ। मारा बापा मने तो सूज ना किया, पर मारा एक टेनिस ना सर, आई वाज टू प्ले टेनिस नेशनल्स तक गया था, तो मेरे जो सर है ना, अगर अगर मैं बनाना लेके नहीं जा रहा, मेरे को एक दो घंटा लेके जाएगा, नहीं पापा मुझे खाने में पसंद, नाउ ही वांट्स मी टू ईट, क्योंकि मैं दुबला पतला था, परफॉर्मेंस चाहिए तो खाना पड़ेगा, अच्छी चीजें खानी पड़ेगी ना, तो मैं नहीं खाता था। तो पता है वो जाके मेरे सर को बोलेंगे, सर तमारू मान से तुम्हें कह जो कल थी गया केड़ा लेना है, ए एक कच खास है, पर बे मन गाओ जो एक तुम्हारे खावा, ये बने तमने खबड़ावाए एक खास है। एंड दैट्स हाउ वो मुझे ट्रेन करते थे, किसी और से कहलवाते थे, खुद नहीं कहते थे, राइट। अगर मैंने होमवर्क नहीं किया तो मेरे फादर ने मुझे कभी नहीं कहा कि होमवर्क करके जा, लेकिन जब उनको पता था कुछ इंपॉर्टेंट था तो मेरे टीचर को फोन करते थे, क्या कहते पता है? टीचर को बोलते आज महाराज दिख रहा है होमवर्क नहीं करे, कल क्लास में इन्हें चेक कर ले जो अंसारो हूँ स्कूल थी घरे आओ बेटा मारो मोटो पड़े हुए એટલે પછી પપ્પાએ પાસે એમ આય શું થયું બેટા મજા કરે મારી જોડે એન્ડ આઈ એમ લાઈક કઈ નહીં પછી પાછું 5 મિનિટ પછી ના કઈક તો થયું છે અરે ખબર નહીં પપ્પા ટીચરે મારું જ હોમવર્ક ચેક કર્યું એન્ડ વો ઇઝ લાઈક યુ નો કે તે તો કરી નાખ્યું તું તે તો બેઠા ના કે તું મને કેમ બતાવી દઈશ ના એ પછી રહી ગયું અચ્છા એ કઈ વાત કાલે કરી નાખજે અને